हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देने की कोशिश की है कि बिहार के अंदर AIMM की पार्टी कितनी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ रही है सेकेंड फेज के अंदर। जी हाँ, इसी चीज़ को जो है ये बताने की कोशिश की है ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब तक की बात की जाए तो पहले चरण के अंदर AIM की पार्टी की जानिब से दो उम्मीदवार थे, जबकि दूसरे चरण के अंदर से फाइनलाइज कर दिया गया है और सब ने जो है नामांकन भी करा लिया है। और दूसरे चरण के अंदर तीन जो उम्मीदवार है वो मैदान के अंदर उतर गए हैं, प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। उन्हीं के बारे में चलिए एक नज़र दौड़ा देते हैं कि सबसे पहले देखते हैं साहेबपुर कमाल से गोरे लाल यादव जी को टिकट मिला है, जबकि फुलवारी शरीफ से कुमारी प्रतिभा को टिकट मिली है। और इसके अलावा जो है MD मुकीम को, यानी कि मोहम्मद मुकीम को जो है वो साहिबगंज से टिकट मिला है। यानी यही तीन प्रत्याशी जो है दूसरे चरण के अंदर AIMM की जानिब से लड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी भी ये चीज़ें घोषित नहीं किया है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी भी AIM ने इसको जो है नोटिस जारी करके नहीं बताया ऑफिशियल तरीके से। हालांकि अनऑफिशियल सोर्सेज से ये पता ज़रूर चल रहा है कि 19 या 25 सीटों पर जो है AIM फाइट करेंगी बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन देखते हैं कि वो सेकेंड फेज के अंदर कहाँ कहाँ पर है। तो 96 विधानसभा चुनाव पर है और बहुत सारे एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि गोविंदगंज है, केसरिया है, कल्याणपुर है, पिपरा है, मधुबन है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, बेलसंड है, मधुबनी है, राजनगर है, झंझारपुर है, इसी तरह से पुलपारस है, मीनापुर है, गोपालगंज है, भोरे है, हथुआ है, सिवान है, महाराजगंज है, बनियापुर है, तरैया है, अमनौर है, परसा है, सोनपुर है, हाजीपुर है, लालगंज है, वैशाली है, राजापाकर है। तो लंबी एक लिस्ट है, कुल मिलाकर 17 जिलों के 96 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहा है दूसरे जो फेज है उनके अंदर। लेकिन सबसे और इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आपको याद होगा तो पहले चरण के अंदर भी AIM की पार्टी ने डिक्लेयर किया था उन दो कैंडिडेट का, उनमें से एक गुरुआ से जो है कौशल्या देवी है और दूसरा जो है मसरूर आलम, जो कि ताल्लुक रखते थे ये शेर घाटी से। लेकिन जबकि तीसरे दूसरा जो नोटिस जारी किया है उनके अंदर गोरे लाल यादव जी का नाम है और इनके अलावा प्रतिभा कुमारी का नाम है। तो अब देख सकते हैं ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो इनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इन पार्टी के नाम में ही मुस्लिम लगा हुआ है, ये क्या करेंगे दूसरे के ऐसे वैसे बला बला बला। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब तक दोनों चरण में 5 लोगों का नाम घोषित किया है, यानी कि 5 लोगों को टिकट मिला है AIM की जानिब से और उन 5 में से 3 लोग जो है वो गैर मुस्लिम है। अब ये बताओ, जो ये कहते हैं कि इनके नाम में ही मुस्लिम लगा हुआ है, ये क्या करेंगे आपके लिए, ये सेक्युलर हो ही नहीं सकते हैं, ये तो कम्युनल है वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कम्युनल होते तो कभी भी इन 5 में से 50% से भी ज्यादा देख समझ सकते हैं कि दूसरे कास्ट को, यानी गैर मुस्लिम लोगों को, भाई को जो है वो टिकट मिला है। यहाँ पर जो है मुस्लिम हो गए, मुस्लिम को दूसरे अल्फाजों दूसरे अंदाज में मत समझना। मेरा सिर्फ कहना का ये मतलब है कि अगर ये ऐसी पार्टी होती तो 50% से भी ज़्यादा जो जो प्रत्याशी है वो गैर मुस्लिम को कैसे और क्यों सिलेक्ट करती, ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए उन लोगों से जो इनके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है और ये बताता है कि ये कम्युनल पार्टी नहीं है, ये सेकुलरिज्म को शो कर रहा है, सेकुलर है ये, बस किसी तरीके से बिहार के लोगों को भला हो इसीलिए फाइट कर रहे हैं। और यही वजह है कि 2% वाले कुशवाहा जी को प्रधानमंत्री CM बनाने के लिए भी तैयार हो गए हैं, जबकि 18% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है बिहार के अंदर। ये सारी सेक्रीफाइसेस, ये सारी कुर्बानी इस चीज को दर्शाता है, इस चीज को बताता है कि हमें भाई जो है बिहार के अंदर अच्छा हो भला हो, NDA को किसी तरीके से हरा सके, बाकी सारे जो है सहमति हम लोग सारे शर्तों जो मानने को तैयार है। लेकिन आप क्या कहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक आपका ओपिनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द जो है तीसरे और आखिरी फेज का भी नाम जारी हो कर दिया जाएगा, सर्वे तैयार है, सब कुछ तैयार है, अन करीब जो है ये भी पता चल जाए कितनी सीटों पर कुल मिलाकर फाइनल हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने जैसी अपडेट होता है हमेशा की तरह आपके सामने सबसे पहले जो है इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा, बताया जाएगा, जैसे कि एक एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अपडेट भी है वो आप तक पहुँचा दिया जाता है हमेशा की तरह। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।